हेलो स्टूडेंट्स, जहाँ तक मैं पढ़ लिया था उसके यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि वेयर सिंह को जब गोश्त उसको अपने घर पे खातिरदारी के लिए ले गया था उसके आगे से करेंगे। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द गोश्त इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड। विजय सिंह क्या है, जो गोश्त उसके बारे में कुछ प्लानिंग कर रहा था उसको रात में मारने की, तो उसके बारे में जो धीरे से बात कर रहा था वो उसको सुन लिया था, इसलिए बीच रात में रात के समय वो क्या हुआ, अपने बिस्तर से हट गया, वेयर सिंह अपने बेड से बाहर चला गया। और उसने क्या किया, ही प्लेस्ड अ बोलस्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड थ्रोइंग ओवर इट अ कवर लेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन। उसने जो बेड पे क्या रखता, बोलस्टर रखा, बोलस्टर क्या होता, बड़ा लंबा तकिया होता वो रख दिया, तो जो घोष समझेगा कि ये विजय सिंह ही है। हैविंग डन दिस ही क्रश्ड वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर, ये करने के बाद ये कोने में जाके खड़ा हो गया। श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन द गोस्ट अप्रोच द बेड आर्म विद अ स्टाउट क्लब। ऐसी मतलब डॉन वाला शाम के समय, उसके बाद जो गोस्ट ने क्या किया, बहुत मोटा सा उसने देखा कि हाँ ये है, तो वहीं पे वो चला गया। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट वाज विजय सिंह हेड। उसने क्या समझा कि ये विजय सिंह का हेड है, सिर है। Not hearing even a groan, he smiled, pleased that he had killed his enemy. और ना उसको कुछ आवाज़ कुछ सुनाई दे रहा, लेकिन बस ये सुनाई दे रहा कि मैंने उसने अपना एनिमी को मार दिया। However, just to make double sure, he struck the bolster 6 times more. जो मतलब उसको और विश्वास देने के लिए कि मतलब हाँ क्या श्योर हो जाए कि उसको मार दिया, उसने क्या हुआ, बोलस्टर को 6 बार मारा। Satisfied with his work, अपने काम से खुश हो गया, he returned to his coach and covering his head, सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, और उसके बाद वो सोने लगा। मीनवाइल विजय सिंह क्रैप साइलेंटली बैक इनटू द बेड। उसके थोड़ी देर बाद विजय सिंह क्या हुआ, जो वहाँ खड़ा होकर देख रहा था, चुपचाप से अपने बेड पर आगस आ गया। आफ्टर अ पॉज ही ग्रोन्ड एज इफ इन डिसगस्ट थ्रू बैक हिज कवरलेट एंड सेट अप। डिस्टर्ब बाय द नॉइज द गोस्ट पी फ्रॉम हिज बेड क्लोथ टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स अबव हिज हेड एंड योनिंग। अब जो गोश्त था वो उसकी विजय सिंह की जो आवाज़ अंदर कर रहा था वो देख के चौंक गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है अंदर की, तो अब वो गोश्त ने क्या किया, अंदर जाके भूत ने अंदर जाके चुपचाप से देखा, वो देखा रहे ये तो विजय सिंह है ये तो, और अपने जो हाथ पैर फैला रहा है यॉनिंग, मतलब जो हम थक जाते और जो मुँह फाड़ के यान करते उसको कहते यॉनिंग। फॉर अ मोमेंट द गोश्त टर्न्ड रिजिड विद शॉक, फ्रेंड गोश्त देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव। तो विजय सिंह ने क्या कहा गोश्त से कि दोस्त तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े हैं यहाँ पे। सेड विजय सिंह इन अ कंप्लेनिंग वॉइस, हियर आई वॉज एंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन इयर्स एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी। वो कह रहा मैं अपने घर पे ये घर पे आराम से सो रहा था, लेकिन तुम्हारे घर पे इतने इंसेक्ट वो मैं परेशान कर गए। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग ऑफ इट्स विंग। उन्हें जो गोश्त तकिए को मार रहा था तो उसने क्या कहा, वही उसने बहाना बना दिया कि ये इंसेक्ट मुझे मार रहे थे। तो गोश्त ने क्या समझा कि हाँ ये जो मैं मार रहा था मतलब मेरा मानना इसको एक मच्छर के बराबर लग रहा है, इतनी बेइज्जती थी उसकी। ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बिटन मी बट इट्स अ मोस्ट अनोइंग, मगर मुझे काटा नहीं है लेकिन ये मेरे लिए बहुत बेकार की बात है। द गोश्त पैनिक दो 7 blows वुड हैव रिड्यूस एनी अदर मैन टू पल्प। गोश्त कह रहा है जो 7 बार मैंने उसको वार की थी वो किसी भी आदमी को मौत में सुला देता। देर इज़ नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मेडल रेसलर लाइक दिस, he thought and fled from the cave leaving behind all his ill-gotten wealth. इतना क्या है कि गोश्त क्या कर निकल गया वहाँ से, वो समझ गया कि इस पहलवान को हराने के लिए कोई भी नहीं है, ना कोई हरा पाएगा। It took several camels from the village to remove the property Vijay Singh had acquired. वो वहाँ से क्या कर बहुत सारे camels वगैरह जो गोश्त के पास जो ले गया था वो सब चीज़ें वहाँ से वो ले गया। Vijay Singh वहाँ से सब चीज़ छुड़ा के लेता आया। He returned much of it to the rightful owners, और उसने जो जो उनके हकदार थे जिन जिन चीज़ें वहाँ पर छोड़े आए थे वो सब उसको वापस कर दिए। He went especially to the old woman, thanked her for her invaluable gift and asked for her granddaughter's hand in marriage. वो खासतौर से किन के पास गया, जो ओल्ड वूमेन ने जिसको जो उसने सामान दिया था, क्या सामान दिया था, अंडा दिया था, एग और नमक दिया, सॉल्ट, उसके पास गए, थैंक यू बोला कि आपने जो गिफ्ट दी थी बहुत काम की है, और उसने गए उसके पास उसकी ग्रैंड डॉटर की ग्रैंड डॉटर का शादी का हाथ मांगा विजय सिंह ने।
Therefore, Vijay Singh was more careful about boasting. It is said that no traveler was ever troubled again in the haunted desert. और ये विजय सिंह की वजह से उसके बाद उस रास्ते पर किसी को भी दिक्कत नहीं पड़ी और हर कोई वहाँ से सफ़र आसान से करता गया। ये अपना चैप्टर का ख़त्म हो गया।